स्कॉर्पियो, हाय, स्वागत है आपका आपके वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शनि, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। स्कॉर्पियो का पहला कार्ड है द फूल, शनि की ऊर्जा। नाइन ऑफ वांड्स, माफी है यहाँ पर, या तो आप मांग रहे हो या किसी को कर रहे हो, जो भी है स्वीकार है। ये कार्ड, दोनों कार्ड्स का कॉम्बिनेशन स्वीकार है। पेज ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग है यहाँ पर। द मैजिशियन, वाओ, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आपने किया है कोई शैडो वर्क यहाँ पर, किसी ने तो यहाँ पर शैडो वर्क किया है, और उसकी वजह से जो उसकी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है, वो पौधा किसी ने, जैसे यहाँ पर ये पौधा है ना, ऐसे ये पूरा पौधा खिल गया, किसी ने बीज बोया होगा पहले, तभी पौधा है ना। तो ऐसे तो नहीं वो पौधा बन गया, पहले हम उसमें बीज डालते हैं, खाद डालते हैं, उसको नरिश करते हैं, तब वो पौधा बनता है। तो यहाँ पर आपके ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, ये हफ्ता आपके लिए अपॉर्चुनिटीज को, यू नो, न्यू पोर्टल्स खुल रहे हो, जैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू बिगिनिंग्स को लेकर आ रहा है। कहीं ना कहीं आप अपनी शैडो को और समझते जा रहे हो। यहाँ पर ये स्नोफ्लेक की ऊर्जा, मैं अक्सर अपने मेरे चार्म बॉक्स में भी एक स्नोफ्लेक है, और मैं अक्सर उसके बारे में यही कहती हूँ, ईश्वर के साथ हमें काम कैसे करना है, ये हमें उसके बारे में बताती है, क्योंकि ये कोई इंसानों के द्वारा बनाया गया डिजाइन नहीं है, ये कुदरत के द्वारा। जब बर्फ गिरती है, बर्फ जमती है, तब ये आकृति बनती है, तो ये डिजाइन बनता है। तो ईश्वर जो जिस रूप में हमें रखता है, हम उसे सरेंडर कर, उसमें जैसे सरेंडर कर देना। तो यहाँ पर जैसे किसी ने सरेंडर के साथ काम किया, शैडो वर्क के साथ काम किया, और यहाँ पर उसकी वजह से ना, उफ, मतलब बहुत गाइस, ये है अपने रिसोर्सेस में भी इजाफा करना। मैजिशियन के कार्ड, मैजिशियन कार्ड में सोर्ड भी है, कप भी है, पेंटिकल भी है, वॉन्ड भी है, और ऊपर से यहाँ पर ये स्पाइरल, ये यूनिवर्स का है। तो जैसे ईश्वर, जैसे किसी ने अपने हक में कर लिया, यू नो, जो भी सिचुएशन थी, किसी ने अपने हक में उसको कर लिया। अगर आप रिलेशनशिप में किसी भी ऐसे शख्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो कि आपको लग रहा है कि शायद इसके सूटर्स बहुत हैं, इसको पसंद बहुत करते हैं लोग, शायद ये आपको इतनी आसानी से ना मिले, लेकिन अगर आप इसे मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो ये कार्ड कहता है कि आप उस शख्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जॉब, मैं कह रही हूँ एक ऐसी जॉब जिसमें सब कुछ है, कंप्लीट पैकेज, जो आपको चाहिए, जो एक शख्स जॉब में देखता है, आप उस जॉब को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये हफ्ता एक्चुअल में ना सिर्फ इस बात को रियलाइज करने का ही है कि आप कितने पावरफुल बन चुके हैं, आपके अंदर कितनी पावर आ चुकी है। ये हफ्ता सिर्फ रियलाइजेशन का है। ये हफ्ते में आपको दिन रात यही महसूस होगा कि हाँ भाई, बहुत आगे का, बहुत काम कर लिया है मैंने, मैं और भी कर सकता हूँ, पावर मेरे हाथ में है, कंट्रोल चीजों का मेरे हाथ में है। ठीक है, आपका पहले कार्ड की बात करते हैं, फूल, शून्य की ऊर्जा। यहाँ पर ये चरण स्पर्श जैसे वाली ऊर्जा, मुझे बहुत ही गुरु वाली ऊर्जा मिल रही है, जैसे ये गुरु के किसी के कदम हो, तो वो छूना, शून्य की ऊर्जा भी ईश्वर के बारे में, यूनिवर्स के बारे में हमें बात करती है। तो आप में से कुछ लोगों को गुरु के लिए गुरु मैनिफेस्ट हो रहा है, जो कि एक्चुअल में आपके जीवन को बदल सकता है, आपको विजडम, हायर इंटेलिजेंस के साथ जोड़ सकता है। वो जो न्यू पोर्टल भी शायद कुछ लोगों के लिए जो खुल रहा है, वो स्पिरिचुअलिटी के दिशा में खुल रहा है, यू नो। ये अननोन एनर्जी होती है, फूल की ऊर्जा अननोन होती है, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें अननोन रहे, मेरे ख्याल से वही बेहतर है। कुछ चीजें हमें पता हो वो सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें हमें ना ही पता हो तो वो ठीक रहती है। अपने समय पर जब डिवाइन टाइम होगा, चीजें अनफोल्ड हो, तो वो सही है ना। तो ये वैसे ही ऊर्जा है। इस हफ्ते अगर कोई बात समझ में ना आए, या फिर ऐसा लगे कि आपको कोई चीज पता करनी है लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है, सरेंडर कर देना वहां पर, क्योंकि वो एक्चुअल में डिवाइन टाइम का खेल है। डिवाइन टाइम पर अपने आप वो चीज आपको समझ में आ जाएगी।
नाइन ऑफ वॉन्स माफी है यहाँ पर, कर्मों को अगर काटना है इस ड्रामा से, इस साइकिल को कंप्लीट करना है, एंडिंग की तरफ लेकर जाना है, तो ये जो भी सिचुएशन है लियो सजिटेरियस एरिस पर्सन के साथ, इसके साथ आपको ड्रामा को कंप्लीट करना होगा, क्षमा करना होगा, या क्षमा देनी होगी, या क्षमा हमसे मांगने की जरूरत है आपको। जो भी आप करोगे वो एक्सेप्टेंस है। ये दोनों कार्ड्स का जो कॉम्बिनेशन है, तो एक्सेप्टेंस वर्ड, इस एक्सेप्टेंस वर्ड्स को आप किसी अपने जीवन के दूसरे क्षेत्र में भी लगा सकते हैं। माने कि कोई किसी और चीज में आप चाहते हो कि एक्सेप्ट हो जाए आपकी एप्लीकेशन या आपका फॉर्म, या दाखिला हो जाए, या आपकी जो मंजूरी है वो पूरी हो जाए, या कोई रिश्ता है वहां से आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए, किसी भी चीज में अपनी इस एक्सेप्टेंस की ऊर्जा को आप लगा सकते हो। पेज ऑफ कप्स, ये है ब्रांड न्यू बिगनिंग। इस डेक में ये जो पेज ऑफ कप्स है ये बहुत अलग एनर्जी है, इसमें टेन ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ट्रेडिशनल टैरो में जो टेन ऑफ कप्स है उसमें ऐसे ही इंद्रधनुष होता है, तो वन नंबर मेरे लिए न्यू बिगिनिंग की निशानी होती है। तो यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स है, कुछ लोगों के लिए ये जो पोर्टल खुल रहा है ये एक्चुअल में प्यार के मामले में है। बहुत स्वीट इनोसेंट एनर्जी, जो भी शख्स है जिसके साथ भी आप मिल रहे हैं बहुत ही प्यारा सा शख्स है। मुझे नहीं लगता कि इसके बहुत सारे रिलेशनशिप रहे होंगे, बहुत कम लोगों के साथ इसका राबता रहा है, इस वजह से ये प्यार को बहुत ही पवित्र नजर से भी देखता है, कोई इमोशनल बैगेज नहीं होगा इस शख्स का। तो वेरी नाइस एनर्जी। जो भी लोग न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, आप ही की तरह मैजिशियन, मैनिफेस्ट करना चीजों को, चीजें जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना, ये उसके बारे में भी है, रेजिस्टेंस से बाहर आना। और फाइव ऑफ पेंटिकल, शैडो आपकी, ये आपकी शैडो है मेरी जान, और आप कर रहे हो ऑलरेडी। मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कहने वाली हूँ कि शैडो वर्क कीजिए, ये कीजिए, आप ऑलरेडी कर रहे हो, तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। और पैसे को लेकर अगर, क्योंकि पेंटिकल्स की ऊर्जा पैसे के बारे में भी हो सकती है, अगर आप पैसे को लेकर किसी भी तरह के डर में जी रहे हो, चिंता में हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सीरियस, ये आपकी ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ है। आप कुछ, आपके पास कम साधन भी हो, रिसोर्सेस भी हो, आप उस सिचुएशन में भी मैजिक क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर तो भंडार है, यहाँ कप भी है, सोर्ड भी है, पेंटिकल भी है, वॉन्ड भी है, तो यहाँ पर तो सारे के सारे रिसोर्सेस हैं। तो आप डरिए मत पैसे को लेकर, करियर को लेकर, आप बिल्कुल ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अपना काम करते रहिए, बस अपनी शैडो को समझते रहिए। थैंक यू स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, यहाँ पर है फायर गार्डियन, इग्नाइट योर पैशन। तो आपको डेफिनेटली आपकी क्रिएटिव साइड से भी जुड़ने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आप टैटू आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो ये कार्ड उस चीज पर भी मोहर लगाता है कि आपके लिए प्रोफेशन अच्छा रहेगा अगर आपका मन है। पैशन से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आपकी जो इंटीमेट रिलेशनशिप है लोगों के साथ, आप कैसे व्यक्त कर, पहली जो कॉन्वर्सेशन होती है आपकी एनर्जी वेब में, जितने भी लोग हैं उसमें सुधार, उनके उस कॉन्वर्सेशन में सुधार करने की, रिश्ते में सुधार करने की आपको जरूरत है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि डेड है, यू नो, तो वहां पर वो फायर, वो स्पार्क को दोबारा से इग्नाइट करने की जरूरत है। अगेन माय गॉड, शाओलिन मास्टर, बहुत एनर्जी है आपके स्प्रेड में, यहाँ पर भी फायर है। जो भी लोग फायर एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको उस शख्स के साथ थोड़ा सा पीस क्रिएट करने की, क्योंकि बहुत आग है, इतनी आग माने कि खुद को भी आपको भस्म कर दे, सामने वाले को भी, तो इतनी आग से वो भी जल रहा है, आप भी कहीं ना कहीं तड़प रहे हो, तो क्यों ना आप थोड़ा सा इसमें निर्मलता, ठंडापन लेकर आओ सिचुएशन में। इसमें लिखा हुआ है बी ग्रेसफुल इन मूवमेंट एंड एक्शन। अगर किसी के साथ भी बातचीत करने का मन है आपका इस हफ्ते, काफी समय से शायद इस शख्स के साथ बातचीत नहीं हुई है, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिएगा, ये उसके ऊपर क्वेश्चंस डालने मत, कोशिश शुरू कर दीजिएगा, कहाँ थे तुम, क्या कर रहे थे, धीरे धीरे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके घर में कैसे हैं, तो थोड़ा सा ग्रेसफुल रहना है बात करते हुए। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर रूड एनर्जी है, खास करके कॉन्वर्सेशन हुई है आपकी किसी के साथ रिसेंटली, काफी उसकी वजह से टेंशन क्रिएट हुई है, स्ट्रेस, मेरा थ्रोट चक्रा भी बंद हो रहा है आपकी रीडिंग को करते हुए। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। स्कॉर्पियो के लिए ये बहुत आम सी ऊर्जा है, स्कॉर्पियो एक बहुत मिस्टीरियस साइन, यू नो, बहुत नॉलेज भी होती है इनके पास, हिडन इमोशंस, हिडन एनर्जीज। अगर आप किसी भी किस्म की मेडिसिन या इलाज को, उपचार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इस हफ्ते में ये संभावना है कि आपकी कोई मदद कर दे, कोई बुजुर्ग औरत है यहाँ पर जो कि आपको इस उपचार में आपकी मदद कर सकती है।
आप में से कुछ लोगों को अपनी दाई माँ से मिलने की जरूरत है। पता नहीं क्यों यहाँ पर दाई माँ की ऊर्जा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी दाई माँ को जरूरत है, हेल्प की जरूरत है। तो अगर आपको पता है कि आपकी दाई माँ कौन है, तो आपको उनके साथ कनेक्शन को क्रिएट करने की, उनको कुछ मदद करने की जरूरत है, पैसे, कपड़े, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर वैसी ऊर्जा भी है कुछ लोगों के लिए। ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, न्यू पोर्टल, मैंने कहा आपको एक न्यू डायरेक्शन वो हो चुका है, उसका आरंभ बहुत पहले हो चुका है, इस हफ्ते में सिर्फ रियलाइजेशन होगी। न्यू बिगिनिंग भी बहुत पहले आ चुकी है। रिसोर्सेज आपके हैं वो भी आपके, वो जो अगर आपकी लिमिटेड सोच जुड़ी हुई थी उनके साथ, वो भी अब हटती, वो भी हट चुकी है। सिर्फ रियलाइजेशन करना है अभी कि हाँ, ये न्यू पोर्टल जो खुला है, क्या मुझे इसमें आगे बढ़ना है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो आपको बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है जो कि आपके स्पार्क को भी दोबारा से एक्टिव करेगी आपके जीवन में। यहाँ पर है एयर गार्डियन, शिफ्ट योर परसेप्शन, सोच बदलिए, नजारा बदलेगा, ये वो चीज है। अपनी सोच बदल लो, नजारा अपने आप बदल जाएगा। किसी भी चीज को हम अगर खींचते जाए ना, वो इलास्टिक की तरह, तो उसको खींचते जाओ जितना मर्जी खींच लो, लेकिन फिर हमें ही देखना है कि क्या इन चीजों को, इन सिचुएशंस को इतना लंबा खींचने की जरूरत है हमें। अगर आपको ऐसी रियलाइजेशन इस हफ्ते होती है, तो वो डेफिनेटली आपको यही इसी वजह से हो रही है कि पीस क्रिएट कर लो, इसको ज्यादा खींचो मत। ड्रामे को अगर खत्म किया जा सकता है तो क्यों ना किया जाए। आर्गुमेंट्स की ऊर्जा के ऊपर उठकर कुछ पीस क्रिएट किया जाए तो क्यों ना किया जाए। ऐसे प्रश्न आपको इस हफ्ते अपने आप से करने पड़ सकते हैं स्कॉर्पियो। थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। सिक्स ऑफ कप्स की ऊर्जा है, दिल का रिश्ता है, इसके ऊपर लिखा हुआ माफ करना साहस की निशानी होती है। आपका दूसरा कार्ड ही माफी के बारे में है। तुम मेरे कौन हो, किसी से ऐसा रिश्ता भी आपको महसूस हो सकता है कि ये मैं शख्स से पहले मिला तो हुआ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि ये अपना सा लगता है, इसकी बातें मुझे अपनी सी लगती हैं। तो अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है किसी शख्स के प्रति, डेफिनेटली आपका सोलमेट है या सोल फैमिली का आपका हिस्सा है। और माफी, अगेन गाइस, माफी, टेन ऑफ कप्स है यहाँ पर। साधना, आराम, अमृत, खुशियां, आरामदायक ऊर्जा, रोशनी ही रोशनी सी, देख लीजिए भरा पड़ा है ये कार्ड, मतलब ब्लेसिंग्स के साथ, खुशियों के साथ। और मैंने आपको यहाँ पर भी कहा कि यहाँ टेन ऑफ कप्स की ऊर्जा है आपके पेज ऑफ कप्स में, ये टेन ऑफ कप्स का ही कार्ड है। तो देख लीजिए ना, आपको स्पिरिट कंफर्म कर रही है, अभी भी कोई शक है आपके मन में तो स्पिरिट मुस्कुरा रही है। वो जैसे कह रही है मूर्ख, अभी भी तेरे मन में शक है। तुझे जब कह दिया कि न्यू बिगिनिंग हो रही है, तुझे जब कह दिया कि सब ठीक हो रहा है, तो तुझे चिंता किस बात की है। यहाँ देखिए और कप्स की ऊर्जा, थ्री ऑफ कप्स, ज्ञान, सोल फैमिली, मैंने तो इसके साथ बोला आपको। और यहाँ पर है नई सोच, खुशियां, माँ सरस्वती। तो कुछ लोगों के लिए माँ सरस्वती, ये पैशन की ऊर्जा, माने अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना, ये फायर एनर्जी जो होती है वो क्रिएटिव एक्सप्रेशन के बारे में भी होती है। तो डेफिनेटली स्पिरिट उसी चीज को कंफर्म कर रही है जो मैंने आपको कहा है। यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है दुविधा किस बात की, नए वस्त्र, कुछ नया करते हैं, नई सोच नई सोच यहाँ पर भी है आपकी। तो डेफिनेटली परसेप्शन चेंज करने की, यहाँ पर भी परसेप्शन का ही कार्ड है। लास्ट कार्ड है आपका पवित्र ऊर्जा, पवित्र जल, मैं हूँ सुंदरता, सोलमेट, पवित्र ऊर्जा। जैसे यहाँ पर टू ऑफ कप्स की ऊर्जा है, तो सोलमेट एनर्जी है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग सोलमेट के साथ डील कर रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पर रिश्ता आपका सुधरता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ये जिस भी शख्स के साथ आप डील कर रहे हो, आपका रिश्ता इससे जरूर सुधरेगा इस हफ्ते। थोड़ी सी और कार्ड देखते हैं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए। फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छी रह सकती है आपकी, मन मुटाव जाता रहेगा रिश्ते नातों में, मुझे ये नजर आ रहा है। यहाँ पर है माय किंग, कोई आपको ट्रीट कर सकता है माय किंग माय क्वीन की तरह। और यहाँ पर भी अगेन पैशन है गाइस, अपनी क्रिएटिव साइड के साथ जुड़िए, अपने पैशन के साथ, वो चीजें जो आपको एक्साइट करती हैं, एक्साइटमेंट देती हैं, उन चीजों के साथ जुड़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि किक तो ना लाइफ की वहीं पर छुपी हुई है, वो कहते हैं ना कि मुझे किक किस चीज से मिलती है, आपको जिन चीजों से भी किक मिलती है उन चीजों को कीजिए इस हफ्ते। यहाँ पर है एक्सेप्टेंस, माय गॉड यू गाइस, आई स्वेयर टू गॉड, यहाँ पर देखो कितने सारे कार्ड हैं, शफलिंग के बाद यही कार्ड क्यों निकला। तो एक्सेप्टेंस,
एक्सेप्टेंस, मैंने कहा आपको एक्सेप्टेंस इस कार्ड में भी वही आई थिंक स्पिरिट सिर्फ कंफर्म कर रही है। यहाँ पर पास्ट लाइफ है, सिक्स ऑफ कप्स की ऊर्जा, सोलमेट एनर्जी। यहाँ पर है लव लेटर, कुछ मैसेजेस आ सकते हैं कुछ लोगों को, कुछ जरूरी सूचना भी मिल सकती है कुछ लोगों को लिखित रूप में, ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस। कोई है जो आपके साथ कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश करना चाहता है, पास्ट लाइफ, कोई सोलमेट या कोई ऐसा शख्स जिसके साथ आपकी हिस्ट्री है, ये शख्स आपको आपके साथ दोबारा से वो रिश्ते को जिंदा करना चाहता है, यू नो। तो कोई खत लिख सकता है, कोई तोहफा भेज सकता है आपकी तरफ। थोड़ी सी और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। यहाँ पर है हुर्रे, हुर्रे की ऊर्जा है एक्साइटमेंट के बारे में। कोई सेमिनार, कोई पार्टी आप अटेंड कर सकते हैं जहां पर बहुत चाइल्ड लाइक एनर्जी है कलेक्टिव में। अच्छा महसूस होगा ऐसी किसी भी अगर फंक्शन को, प्रोग्राम को अगर आप अटेंड करते हैं। यहाँ पर है लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की ऊर्जा, आप में से कुछ लोगों को उनके साथ काम करने की जरूरत है, एक्सक्यूज मी, उनका आह्वान कीजिए, उन्हें पुकारिए। कुछ लोगों के लिए अगर आप म्यूजिशियन है तो आपको बांसुरी, यू नो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को सीखने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए भी गाइडेंस हो सकती है। यहाँ पर है वर्सेटाइल, बहुत सारे मल्टीपल टैलेंट्स हैं अगर आपके अंदर, लेकिन आप उसको पॉलिश नहीं कर रहे हो तो ये बहुत खराब बात हो जाती है। अगर आपके पास टैलेंट आपको दिए गए हैं तो उनको पॉलिश कीजिए, उनको निखारिए, उन पर काम कीजिए, वो आपको किसी वजह से दिए गए हैं। सोए मत रहिए, जाके अपने पैशन के ऊपर काम कीजिए। यहाँ पर ये ग्रीन ड्रैगन फ्लाई है, ये हार्ट चक्र के बारे में है। तो अगर आपका कोई दिल टूटा है अतीत में किसी चीज को लेकर, कोई सपना आपका टूटा है, तो उसके लिए आराम है। हार्ट चक्र को हील करने की ऊर्जा होती है। ग्रीन एवेंचुरिन स्टोन भी, मैं आपको क्रिस्टल भी रिकमेंड करूंगी कुछ लोगों को। यहाँ पर है यू आर रेडी, कुछ आरंभ करना है आपको, खास करके करियर में, अगर स्पिरिचुअलिटी में भी हो सकता है, करियर या स्पिरिचुअलिटी में कुछ भी नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, बिजनेस या कोई नई साधना, कोई नया रूटीन, डेफिनेटली यू आर रेडी, ठीक है। यहाँ पर कैंसर की भी ऊर्जा है, कुछ लोग कैंसर के साथ अगर डील कर रहे हैं, आई थिंक ये जो भी शख्स है, अगेन इसके पास कोई इंफॉर्मेशन है आपको देने को, ये कुछ कहना चाहता है आपसे, तो मेक श्योर कि इस शख्स के साथ जिस भी माध्यम से आप कनेक्ट हुए हैं, इंटरनेट है, एनर्जी वेब में, या किसी दोस्त के जरिए, जिस भी चीज से आप इस शख्स के साथ कनेक्ट हुए हैं ना, उस सोर्स को ओपन रखिएगा। अगर इसके पास आपका फोन नंबर है तो फोन पर ध्यान रखिएगा, ईमेल से कनेक्ट हुए तो ईमेल पर ध्यान रखिएगा, सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये शख्स आपके साथ कनेक्शन को क्रिएट कर सकता है। लास्ट में है हमारे पास यहाँ पर टर्कोइज, सेल्फ डिस्कवरी, हर्मिट की ऊर्जा, मतलब स्कॉर्पियो के लिए कोई, मेरे लिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई आम सी, मतलब कोई खास बात है, बहुत आम सी बात है स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो यही करते हैं बस, स्कॉर्पियो का ना यही ऑटो मोड यही चलता है, यही वो सेल्फ डिस्कवरी, शैडो वर्क, मिस्ट्रीज, मिस्टिसिज्म, स्पिरिचुअलिटी, इनका ये चाहे सोचे भी नहीं लेकिन फिर भी ये अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली यही इसी ऊर्जा के साथ ही काम करते। तो ये क्रिस्टल अगेन सेल्फ डिस्कवरी के बारे में है। अगर आपको मी टाइम, थोड़ा क्वाइट टाइम लेने की जरूरत पड़े इस हफ्ते तो डेफिनेटली लीजिएगा, ये थोड़ी सी उसके बारे में भी हो जाती है ऊर्जा। तो या स्कॉर्पियो इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपके लिए। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स को रीड करके। और क्या ये है आपके लिए इस हफ्ते की गाइडेंस, और मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी जान, बाय बाय।